हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रस्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने इसहाक़ ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत मायल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ ली वाली मन खा मका रबी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह दो जन्नत देगा। वाकई डर गया वो, वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोज मरना ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होकर गिर पड़ा, बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के गाला है, गाला के क्या बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा बाजी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आज सुनी जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब दो जन्नत देगा। मैं डर गया था, रब वाकई दो जन्नत देगा। बाप रो पड़े, अब्बाजी की आंखों में आंसू आए, कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई दो जन्नत देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई। कुछ गाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ लिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया मैं जनाजा पढ़ता? फारूक आजम फरमा रहे मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता। कहा हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? ते कामिल पीर ओना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होकर फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे दो जन्नतें दी होंगी। इब्ने इसहाक़ खोल के देखो तारीख़े बगदाद ने क्या लिखा है, हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है दो जन्नतें दी होंगी, कब्र के अंदर से बोला कामिल पीर ओना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे दो जन्नतें अता फरमाई, दो जन्नतें दी हैं, मैंने अपने मालिक को।